Hello students, welcome to online classes of Angan Public School. And today we will study of maths. Okay, so students, आज हमारा maths का lecture है. Okay, and now आपको पता ही होगा कि maths के lecture में students हमने previous lecture में chapter number 11 जो है jugs and mugs. Okay, now वो हमने start किया था. Okay. नाउ मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 1 to 4 तक उसमें कंप्लीटेड करवा दिया था स्टूडेंट्स. ओके, देन मैंने आपको बोला था कि ये कंटिन्यू करने से पहले हम कुछ डिवीजन के सम्स है स्टूडेंट्स, ओके, उनकी प्रैक्टिस करेंगे, देन उसके बाद हम हमारा वर्क जो है आगे का वो स्टार्ट करेंगे. ओके, तो आज यहाँ पर मैं आपको डिवीजन के कुछ सम्स मैंने राइट किए हैं स्टूडेंट्स, सो उसके हम प्रैक्टिस करते हैं. ओके, देन उसके बाद हम वो चैप्टर है वो कंटिन्यू करेंगे. नाउ अभी यहाँ देख सकते हो आप 3 / 72. ओके, ये डिवीजन के कुछ सम्स हैं यहाँ पर प्रैक्टिस टाइम में. ओके, सो 72 / 3. ओके, अभी आपको क्या करना है, 72 को 3 में डिवाइड करना है. ओके, सो किस तरीके से करेंगे हम 72 को 3 में डिवाइडेड स्टूडेंट्स, तो देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर 3 का टेबल बोलना है. ओके, क्या करना है आपको, 3 का टेबल बोलना है. 3 का टेबल आपको कब तक बोलना है स्टूडेंट, जब तक 7 नहीं आता. ओके, सपोज 3 के टेबल में 7 आता है तो आपको 7 पे स्टॉप होना है, अदरवाइज 7 नहीं आता तो 7 का जो भी बिफोर डिजिट है वहां पर आपको स्टॉप होना है. ओके, सो 3 के टेबल में 7 नहीं आता है, 3 के टेबल में 6 आता है. नाउ 3 2 6. ओके, 3 2 6, यहां राइट कर देंगे हम 6. देन उसके बाद 7 में से 6 को लेस करेंगे तो क्या आएगा, 1. एंड नाउ 3 के टेबल में 1 नहीं आता है. ओके, सो क्या करेंगे हम, 2 को यहां नीचे राइट करेंगे तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 12. नाउ अभी 3 के टेबल में 12 जो है स्टूडेंट्स वो कौन से नंबर की प्लेस पे आता है, तो 3 4 12. ओके, क्या 3 के टेबल में 4 नंबर की प्लेस पर आता है, 3 4 12. नाउ 2 में से 2 लेस करेंगे तो 0 एंड 1 में से 1 लेस करेंगे तो 0. ओके, नाउ नेक्स्ट भी वैसे ही करेंगे स्टूडेंट्स हम, 57 / 3. ओके, तो पहले 3 का टेबल बोलेंगे हम, 3 के टेबल में 5 नहीं आता है तो उसके बिफोर वाला जो भी डिजिट है उस पर हमको स्टॉप होना है. 3 1 3, तो यहाँ 3 राइट करेंगे. नाउ 5 में से 3 लेस करेंगे तो क्या आएगा, 2. ओके, एंड ऊपर जो 7 है वो 7 को हम यहाँ नीचे राइट कर देंगे. ओके, अभी 3 के टेबल में 27 कौन से नंबर की प्लेस पर आता है, तो 3 9 20 7. ओके, 3 9 20 7. नाउ 7 में से 7 लेस करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, 0. एंड 2 में से 2 लेस करेंगे तो आएगा 0. ओके, नाउ नेक्स्ट 3 नंबर का, 74 / 2. ओके, सो आपको क्या करना है, यहाँ 2 का टेबल बोलना है. 2 का टेबल आपको कहाँ तक बोलना है, जब तक 7 नहीं आता तब तक, या 2 के टेबल में 7 आता है तो वहां पर आपको स्टॉप होना है, बट 2 के टेबल में 7 नहीं आता है. ओके, तो उसके बिफोर वाले नंबर पर हम स्टॉप हो जाएंगे तो 2 1 2 2 2 4 2 3 6. ओके, नाउ 7 में से 1 6 लेस करेंगे तो आएगा 1. एंड नाउ 4 यहाँ नीचे पुट कर देंगे हम. ओके, यहाँ नीचे राइट कर देंगे एंड 2 7 14. ओके, इस तरीके से राइट कर देंगे 2 7 14. 4 में से 4 लेस करेंगे तो 0 एंड 1 में से 1 लेस करेंगे तो आएगा 0. ओके, नाउ नेक्स्ट 56 / 4. ओके, सो अगेन हम क्या करेंगे, इसमें 4 का टेबल बोलेंगे जब तक 5 नहीं आता है तब तक, तो 4 1 4. नाउ 5 में से 4 लेस करेंगे तो आएगा 1. नाउ ये 6 हम यहाँ नीचे राइट कर देंगे. अभी 4 के टेबल में 16 कौन से नंबर की प्लेस पर आता है स्टूडेंट्स, तो 4 4 जा
16, 4 4 16, तो हम यहाँ पर 16 राइट कर देंगे. 6 में से 6 लेस होगा तो 0, 1 में से 1 लेस होगा तो 0. ओके, नाउ नेक्स्ट 85 डिवाइडेड बाय 5. ओके, तो 5 1 5 5 2 10 होता है, तो 10 जो है वो 8 से ग्रेटर है, तो हम क्या करेंगे, 5 1 5 5 पे स्टॉप करेंगे, तो 5 1 5. नाउ 8 में से 5 लेस करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 3. ओके, नाउ फिर ये 5 को हम यहाँ राइट करेंगे नीचे, एंड 5 के टेबल में 35 जो है वो 7 नंबर की प्लेस पर आता है. 5 7 ज़ा 35, देन 5 में से 5 लेस करेंगे तो 0, 3 में से 3 लेस करेंगे तो आएगा 0. ओके, नाउ उसके बाद है नेक्स्ट 95 डिवाइडेड बाय 5. ओके, तो 5 का टेबल बोलेंगे हम 5 1 ज़ा 5. ओके, नाउ 5 राइट किया हमने, 5 1 ज़ा 5. अभी 9 में से 5 लेस करेंगे तो आएगा 4, वो हम यहाँ राइट कर देंगे 4. ओके, नाउ उसके बाद 5 को हम यहाँ नीचे राइट करेंगे. 5 के टेबल में 45 जो है वो 9 नंबर की प्लेस पर आता है, तो 5 9 ज़ा 45. ओके, नाउ उसके बाद 0 में से 0, 5 में से 5 लेस करेंगे तो 0 आएगा, एंड 4 में से 4 लेस करेंगे तो आएगा 0. ओके, तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो चैप्टर नंबर 11 है, ओके, वो मैंने आपको स्टॉप करवाया था बिकॉज उसमें डिवीजन के सम्स थे, सो इस वजह से हमने नहीं किए थे वो. नाउ अब हमने डिवीजन के सम्स की प्रैक्टिस कर दी है. ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर से हम जो हमारा चैप्टर है स्टूडेंट्स, मैंने आपको स्टॉप करने को बोला था, वो चैप्टर हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे. ओके, एंड नाउ आपको क्या करना है होमवर्क में, ये जो मैंने सम्स दिए हैं यहाँ पर, ओके, 96 डिवाइडेड बाय 8, 74 डिवाइडेड बाय 2, 98 डिवाइडेड बाय 7, 68 डिवाइडेड बाय 4. ओके, तो ये सम्स आपको एज ए होमवर्क में स्टूडेंट्स कंप्लीट करना है. ओके, वो था आपका होमवर्क, और ये है आपका क्लास वर्क जो आज हमने कंप्लीट किया. ओके, एंड नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो स्टॉप किया था स्टूडेंट्स, हमने ये वाला जो चैप्टर था हमारा, ओके, उसको हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे. ओके, हमने कहाँ तक कंप्लीट किया था, एक्सरसाइज नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 5 का सम्स नंबर 4. ओके, एक्सरसाइज नंबर 5 का सम्स नंबर 4 मैंने आपको यहाँ तक ये राइट करवाया था. ओके, नाउ इसके बाकी के जो सम्स हैं, ओके, 5 to 8, 4 सम्स जो बाकी हैं स्टूडेंट्स, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ आज का जो हमारा मैथ्स का लेक्चर है ना, वो यहाँ पर ओवर होता है. ओके, सो गुड बाय एंड टेक केयर एवरीवन.